विकास कार्यक्रम चुनावी चटकारा, और क्योंकि हरियाणा की राजनीति में उबाल आ चुका है और इस उबाल में कितना परिवर्तन होगा इस राजनीति की धारा में, इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ इस फरीदाबाद में। और ये सारी जानकारी हमें देने वाले है यही कालीकोट वाले वकील, जो तय करते हैं कि आखिर न्याय की धारा किस ओर बहेगी और सही और गलत का फैसला किस ओर होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इन वकीलों के साथ इनका व्यू जानने के लिए कि इस बार की चुनावी राजनीति का मोल्ड क्या होने वाला है। कहते हैं वकीलों के पास एक बड़ी पावर होती है, वो आंख पे लगी पट्टी के बावजूद भी ये तय कर लेते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, इस बार की राजनीति की धारा कहां बहेगी। अब की बार राजनीति जो एमपी के चुनावों में थी वो नहीं चलेगी, अब की बार स्थानीय मुद्दे रहेंगे यहाँ पर कि भाई क्या काम किया और क्या नहीं किया और किस आदमी को टिकट दी और नहीं दी। हमारे तरफ से तो फरीदाबाद के अंदर जो बीजेपी ने टिकट बांटी है वो बहुत ज़्यादा गलत बांटी है, जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको टिकट ना दे के आपसी मनोमुटाव में टिकटें काट दी हैं लोगों की, तो यहाँ पर तो शायद कांग्रेस ज़्यादा आगे रही। कहा जाता है जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम मुद्दे बड़े जो है गर्माते हैं, जिसमें रोटी कपड़ा मकान एक आम आदमी की जरूरत को तय करता है। तो अगर मैं सवाल आपसे पूछूं कि एक महिला पूरे घर का दामोदर संभालती है, आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे 5 साल पहले तय किए गए थे आज से 5 साल बाद भी क्या वो मुद्दे अभी भी बरकरार है? नहीं, समस्या लगती है सुलझी है, महंगाई की मैं बात करूँ समस्या और ज्यादा बढ़ गई। किस तरीके की मानती है आप सब एरियाज, अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्या सोचती है? कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया, तो नौकरियों को लेके कंपटीशन बढ़ा है। हाँ जी सर, लेकिन कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तमाम बड़ी परियोजनाएं आती है, लोगों को लुभावने वादे किए जाते हैं, 5 साल की सरकार को किस तरीके से देखते हैं? देखो 5 साल की सरकार ने काम तो किए हैं, लेकिन काम किस तरीके के हुए हैं? नहीं, बहुत सारे काम किए हैं, सड़कें बनी, नहीं सड़कों के अलावा बहुत सारे काम हुए हैं। चलिए, बहुत सारे काम हुए, कामों की गिनती नहीं बताना चाह रहे फिलहाल, आगे की तरफ चलते हैं। काम बोलता है कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी ये कहते हैं, हरियाणा में जनता क्या कहती है? हरियाणा में जनता का साफ रुख है कि इस बार जो एमपी में हुआ था, एमपीओ में स्वीप कर दी थी पूरा बीजेपी ने, पर एक मुद्दे थे स्थानीय मुद्दे, भाई एक तो नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। हाँ, हमने माना है कि नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, सरकार ने काफी अच्छी वो की है, पहल की है, भाई मेरिट पे करेंगे, पर मेरिट पे हमारे हरियाणा के बच्चे तो एक भी नहीं आ रहे। अभी पीछे 40 एसडीओ की भर्ती हुई थी अभी 15 दिन पहले, उसमें सारी भर्ती में बस एक लड़का एसडीओ लगा है जो हरियाणा से, बाकी 39 के 39 बाहर से हैं। इससे पहले अगर हम अपने लीगल उसमें देखें तो हरियाणा में भी 190 एडीए सिलेक्शन हुआ था, उस एडीए सिलेक्शन में ओनली 55 बच्चे हरियाणा के थे और बाकी सारे बच्चे बाहर के थे। ये कहते एक तरफ तो कि साफ नौकरियाँ दे रहे हैं, वो नौकरियां तो दे रहे, फिर कंपटीशन में हरियाणा की कहां दे रहे? एक तो उन्होंने कि भाई 75% नौकरी हरियाणा को दे, और कई मुद्दे स्थानीय ऐसे हैं जिसमें कई कैंडिडेट बीजेपी ने हाँ अच्छे उतारे जो कि जीत के और अच्छे रहेंगे, पर कई स्थानीय मुद्दे पानी की है, बिजली की है, क्योंकि जो एमपी का हुआ था लोकसभा का इलेक्शन वो एक मोदी का था, एक ऊपर इंटरनेशनल उस पर था, ये मुद्दे स्थानीय मुद्दे रहेंगे, हरियाणा के ऊपर मुद्दे रहेंगे और लोग खुद तय करेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ, इनमें क्या हुआ, क्या अच्छे रहे। ये नहीं कह सकते हम सरकार ने सारे अच्छा काम नहीं किए, बुरे काम किए, अच्छे काम भी किए, काफ़ी सुधार लाई है, एक अच्छा ऑनलाइन ज़्यादा सिस्टम कर दिया, डिजिटल कर दिया, काफ़ी अच्छा वो कर दिया। यानी कि समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं विकास हुआ है, और जहाँ विकास की गति रुकी है तो इस बार जनता तय कर लेगी कि आखिर किसको मिलेगी सत्ता और किसका कटेगा पत्ता। फिलहाल आगे की तरफ चलती हूँ, वकीलों के क्या खास मुद्दे होंगे, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से समझे तो वकील एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग एक राजनीति का माहौल बनाता है, तो इस बार क्या लगता है कि वकील क्या सोचकर वोट करेगी? ऐसा है मैडम, यहाँ पर वकील तो लोकल सिटी को देखते हुए ही सारे एक्शंस लेती है। अब इन्होंने ठीक कहा कपिल जी ने कि हरियाणा में डेवलपमेंट्स या बिजनेस इकोनॉमी तो डाउन है, अब बिजनेस इकोनॉमी डाउन होने में जितनी पब्लिक है वो तो दोस्तों गवर्नमेंट को ही देती है, स्टेट गवर्नमेंट को ही देती है कि क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही। नो डाउट मोदी गवर्नमेंट की इंटरनेशनल लेवल में या नेशनल लेवल में डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा है,
उसकी हर जगह मोदी मोदी से है और डेवलपमेंट्स हुई भी हैं जो इन्होंने कहा। अब देखो मेट्रो को जितना ज़्यादा आया है दिल्ली में, कितनी मेट्रो लाइंस आई, तो नो डाउट डेवलपमेंट तो है, पर वो चीज़ लोकल सिटीज़ में अपीयर नहीं होती है। अब आम पब्लिक जो लोकल सिटी से देखती है वो ये चाहती है कि वहाँ डेवलपमेंट क्या हो रही है। दैट्स वाई कि यहाँ पर जो अभी इस टाइम जो हमारी विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ कम हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि जो पहले हमारे मनोहर लाल जी की सरकार थी उसमें नो डाउट उन्होंने भी भ्रष्टाचार को बहुत कम किया है, चाहे हुड्डा डिपार्टमेंट हो या अदर डिपार्टमेंट्स हो। आजकल ऑनलाइन सर्विसेज दी हैं और ये देखो डिमोनेटाइजेशन हुआ, उससे कितना फ़र्क पड़ा, लोगों की करोड़ों रुपए की जो अनवांटेड इनकम थी सब डिस्ट्रॉय की गई। और देखो डेवलपमेंट्स तो हैं पर नो डाउट अब भी रुझान बीजेपी की तरफ ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये देखती है कि स्टेट गवर्नमेंट भी तभी डेवलपमेंट लाती है अगर उसको सेंटर का हाथ होता है, सेंटर का उसके ऊपर पूरा हाथ होता है। अब दिल्ली में ही देख लो, जब अगर थी गवर्नमेंट तो यही दिल्ली वाले भी यही सोच लेते हैं कि हमारे पास मोदी का हाथ नहीं है, जब केजरीवाल जी आए। पर नो डाउट केजरीवाल जी ने अपनी, चलिए समझने की कोशिश करें तो वकीलों के हिसाब से नोटबंदी का आना, जीएसटी का होना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो लेवल है उसको कम करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर जरूर एक खड़ा होता है कि आखिर इस बार क्या ये सारे मुद्दे सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए एक अहम कदम साबित होगा। फरीदाबाद की जनता से जो सवाल अधूरे रह गए थे, चलिए उन्हें अब पूरे कर लेते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं। कहते घर के बड़े तय करते हैं कि राजनीति का मोल्ड क्या होना चाहिए। सर, घर के बड़े जहाँ वोट देते कहते पीछे पीछे सारे चल देते, इस बार चुनावी मूड क्या कहता है? चुनावी मूड तो साफ दिख रहा है, वही चल रहा है। तो लेकिन सर, लुक से के बीजेपी आ रहा है ऐसा लग रहा है, क्लियर। तो यानी कि सर कमल खिलेगा लगता है? सर अभी सवाल कमल खिलने का नहीं, अभी सवाल आपके माइंडसेट को जानने का है। सवाल ये यहाँ मेरा ये है कि हम विकास की बात करते हैं, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो समझे विकास हो गया, क्योंकि भारत में यही विकास है। इस फरीदाबाद एरिया की मैं बात करूँ, एनसीआर में रोटी कपड़ा मकान कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर फरीदाबाद की बात करूँ, चलिए तो मतलब यहाँ का हिसाब अच्छा है, रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं है। चलिए, फरीदाबाद की जनता का कहना है कि फिलहाल स्थिति बेहतर नजर आ रही है। फिर से एक सवाल आपसे भी ले लेती हूँ, कहा जाता है फरीदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है कि नौकरियों की कमी नहीं, लेकिन फिलहाल खट्टर जी भी कुछ दिनों पहले ही बयान देते हुए नजर आए थे कि अभी भी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे नौकरियाँ बाकी है। लगता है अगर बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिलता है तो स्थिति बेहतर होगी? नहीं होगी बेहतर, उसका कारण यह है कि जो नीचे के तबके का आदमी है उसको बेनिफिट सरकार का ना मिल रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सहयोग मिल रहा है। जब तक उसे सहयोग नहीं मिलेगा तब तक नहीं बात बनेगी। अगर सरकार वास्तव में उन लोगों का सहयोग करना चाहती है, उनके वोटर से अगर बनी है तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जब तक उनके लिए नहीं किया जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। कई मैंने एरिया यहाँ देखे, ग्राउंड जीरो की हमने रिपोर्ट यहाँ कवर की है, जनता ने एक नारा लगा रखा है नो रोड नो वोट, तो रोड की कनेक्टिविटी नहीं है फिलहाल के तौर पर अगर हम समझे तो? जब नहर पार जाएंगे ग्रेटर फरीदाबाद, इतने बेकार रोड है, इस सरकार ने रोडों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। और अभी आपने इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा तो फरीदाबाद नंबर वन था, मेरे ख्याल से आज तो 100 में भी नहीं आएगा फरीदाबाद का नाम इंडस्ट्री के। लेकिन हम देखते हैं पॉल्यूटेड एरिया में इसकी काउंटिंग जरूर शुरू हो गई है। सरकार कहती है कि हम स्वच्छता लेकर आएंगे, तमाम वादे होते हैं, स्वच्छ भारत का मिशन बनाया जाता है, कल 2 अक्टूबर है, ऐसे में किस तरीके से हम इसे ले? बस ये 2 अक्टूबर को साफ जगह पे झाड़ू लगा के फोटो खिंचा के वहाँ तक सीमित है इनकी सारी योजनाएं सरकार की। पॉल्यूटेड में नंबर वन है फरीदाबाद, पॉल्यूशन सिटी में, और पर्यावरण मंत्री जबकि फरीदाबाद से थे जब ये हाल है। यहाँ अरावली को बेच खाया है, वहाँ पे फार्म हाउस बना दिए पूरे पहाड़ पे, बिल्कुल हालत खराब है। यानी कि जनता त्रस्त है? त्रस्त है, बुरी तरह त्रस्त है। एक सवाल पूछूं कि जवाब दे दीजिए, नेताजी पास है या फेल है? नेताजी कौन से? जो प्रेजेंट आपके थे, विपुल गोयल। विपुल गोयल मेरा विधानसभा लगा, वो टिकट क्या उनका? एक सवाल है, एक सवाल है, जब सरकार ने ही उनकी टिकट काट दी अपने मंत्री की, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समझ लीजिए नेताजी फिलहाल के लिए फेल है, क्योंकि हम मंत्रियों के तौर पे तर्क जानने की कोशिश कर रहे हैं। विकास दिख रहा है, विकास बोल रहा है, 5 साल हो गए हैं, 50 साल को 5 साल से अगर कंपेयर करें कौन सा विकास ज्यादा अच्छा है? पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ है। जितने रोड इस गवर्नमेंट ने बनाए वो रोड अब तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाए। पॉल्यूशन की बात है, जो कूड़ा करकट की बात है, बीजेपी गवर्नमेंट ने गाड़ियां लगा रखी है, हर वार्ड में 4-4, 5-5 गाड़ियां दे रही हैं, जो घरों पर जाके कूड़ा उठा रहे हैं। विपुल गोयल जी ने भी पहले काफ़ी पेड़ लगाए थे पर्यावरण को लेके, एक दिन में रिकॉर्ड बनाया था, 2 लाख से ऊपर के आसपास पेड़ लगाए थे उन्होंने। तो सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया है, इतना पहली गवर्नमेंट ने नहीं किया। पहली गवर्नमेंट ये थी कि गवर्नमेंट बन गए फरीदाबाद को भूल गए कि भाई फरीदाबाद भी कोई शहर है, उधर ही अपने रोहतक से हिसार साइड अपने विकास कराते रहे। इस क्षेत्र की तरफ पहले किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो बीजेपी पास या फेल?
बीजेपी पास। चलिए लेकिन सर एक थोड़ा सा सवाल, हम थोड़ा राजनीतिक मुद्दों को भी ले लेते हैं। हम आम जन समस्याओं पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, कई तमाम बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन आपसी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही है, तो जनता की लड़ाई किस तरीके से खत्म करेगी? वास्तव में जनता की लड़ाई तो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जनता की लड़ाई तो अपने आप जनता को लड़नी पड़ेगी, उन्हें वोट समझ के देना पड़ेगा कि उनका प्रत्याशी कौन सही है। ना पार्टी को वोट नहीं देना, उनको प्रत्याशी को वोट देना है, तब बात बनेगी। वोट का आधार क्या है इस बार? वोट का आधार कैंडिडेट, कैंडिडेट जैसा होगा, अच्छा होगा, करेक्टर ठीक होगा, उसी कैंडिडेट को वोट जाना चाहिए। तो यानी कि पार्टीगत आधार पर या व्यक्तिगत आधार के आधार पर? नहीं, व्यक्ति के आधार पर। इस बार वोट का आधार क्या है? वोट का आधार है विकास। पिछले 5 साल में जो बीजेपी गवर्नमेंट ने विकास किया वही वोट का आधार है। सेंट्रल लेवल पे भी देख लो, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत काम किए हैं सेंट्रल लेवल पे भी। इंटरनेशनल लेवल पे आज भारत का बोलवाला है, जिधर देखो उधर मोदी मोदी। दूसरे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी मोदी को बुलाते हैं। हमारे मानते हैं वकील अपना पॉइंट ऑफ व्यू मानते हैं कि दो इंजन की सरकार ने काम किया है। बिल्कुल किया है। तो चलिए, इनके लिए विकास दिख रहा है। कुछ का कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर वोट दिया जाएगा, पार्टीगत तौर पर नहीं, क्योंकि पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति तय करता है यहाँ पे कि राजनीति की स्थिति क्या होनी चाहिए। मैं सवाल आपसे भी पूछूं कि वोट का आधार क्या रहेगा? मेरा वोट का आधार व्यक्तित्व रहेगा और पार्टी भी रहेगी, क्योंकि जितना विकास कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में किया था शायद ही बीजेपी वो ना कर पाई है ना कर पाएगी। रोजगार के मामले में लगा लो, रोडों के मामले में लगा लो, या हरियाणा जब कांग्रेस सरकार थी पिछले 10 साल में हर चीज में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय हो कुछ भी हो, आज हरियाणा का कहीं नंबर में नहीं है। जीडीपी ग्रोथ घट गया है, 45 साल का बेरोजगारी का आंकड़ा हम सब लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में रोजगार के लिहाज से मैं पूछूं, नौकरियां नहीं है लेकिन दावे बहुत किए जा रहे हैं, आपका अपना व्यू क्या कहता है? रोजगार के मामले में तो सरकार ने बिल्कुल ही जीरो हो गई है, जो कि प्राइवेट और सरकारी दोनों में। प्राइवेट में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज रही है, एस्कॉर्ट्स है, काफ़ी बड़ी जेसीबी कंपनी है, इवन जब मारुति जैसे उद्योग जब हफ्ते में 3-3 दिन बंद रहने लगे हो, और जो मारुति में से लाखों लोग निकाल के घर बैठा दिए हो, जिनकी ये थी कि भाई परमानेंट नौकरी है, 1.5 लाख रुपये तंग सैलरी है, वो अपने परिवार को चला रहे थे बड़ी अच्छी हिस्से में, जीडीपी तो ऑटोमेटिक और डाउन हो रही है। फरीदाबाद की जनता को चाहिए क्या? फरीदाबाद की जनता को तो विकास चाहिए, और विकास का अगर हम असली देखें तो अगर हम किसी भी विधानसभा में चले जाए, गलियों में पानी है, गलियां भर जाती है थोड़ी सी बरसात आने पर। अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ सेक्टर 12 फरीदाबाद में, पौष इलाका सेक्टर 12, यहाँ सारे एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आधे घंटे यहाँ बारिश होगी तो सब पानी से निकल के जाएंगे, आप भी निकल नहीं सकते यहाँ से। तो कोई पानी का ज़्यादा अच्छा प्रबंध नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट का, विकास के नाम पे इतना अच्छा कुछ नहीं हुआ। बस कागजी कार्रवाइयों में तो हो गया, कागजों में तो नंबर 1 कर दिया, पर नंबर 1 है नहीं। लेकिन वकील साहब, गवर्नमेंट ने कहा था कि गड्ढे मुक्त सड़कें बनाएंगे, 5 साल देखा जाए बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस का वक्त रहा। मैं कंपेरिजन अगर आपसे पूछूं सिर्फ हरियाणा के दृष्टिकोण में, आप क्या समझते कि जब कांग्रेस की सरकार रही और जब 5 साल अभी बीजेपी की सरकार को मौका मिला, तो क्या गड्ढे मुक्त, क्योंकि सबसे जरूरी आधार हम मानते हैं फिलहाल के तौर पर सड़कें, गड्ढे मुक्त का अगर अभियान हम देखें कि गड्ढे मुक्त का अभियान चलाया था अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राव नरवीर ने, जिनका भी टिकट बीजेपी ने काट दिया है, शायद कहीं इसी वजह से तो नहीं काट दिया उन्होंने, कोई गड्ढा भर पाए वो। और गड्ढे की मैं बताऊं अभी कि हमारे गड्ढे हैं, हमारे हरियाणा में बिड़ लगती है और ठेकेदारी प्रथा है। मैं ठेकेदार हूँ, मैं ठेकेदार, मेरे को बिना 30 लाख का प्रोजेक्ट तो मैं उसमें 7 लाख रुपए लगाऊंगा, बाकी नेताजी के और कुछ हमारे खुद के और अधिकारियों के। तो गड्ढे तो कहाँ भर पाएंगे, एक बार इसमें गड्ढों में यानी कि जेब भर जाएंगे? जेब तो भर जाती है पर गड्ढे नहीं भरते जी। बहने सुरक्षित होती है तो समाज सुरक्षित होता है, समाज सुरक्षित होता है तो देश का नाम होता है। मैं हरियाणा के लिहाज से समझूं, क्योंकि आप वकील है, कहते लॉयर्स के पास सबसे ज्यादा केसेस आते हैं, बहनों से संबंधित यौन शोषण के केसेस, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, क्योंकि अगर प्रदेश में सरकार अच्छी होगी तो केसेस में भी कमी होगी, क्या ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उन्होंने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था वो बिल्कुल फेल है। फरीदाबाद में ही देख लो आपका क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, डेली का 1 मर्डर और हफ्ते का 1 रेप का केस का यहाँ की जो एवरेज चल रही है। तो न्याय की बात करूँ तो कब तक होता है न्याय? तो जुडिशरी तो अपनी तरफ तरह ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था को जो करने का काम सरकार का होता है वो बिल्कुल तो पूरी तरह फेल है। न्याय की तो मैं बताता हूँ, न्याय में हमारे यहाँ पॉस्को एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हुए अभी रिसेंटली। अगर हम महिला थाने तो सरकार ने बना दिए बड़े अच्छे, और महिला थाने में पुलिस इतनी नहीं बैठा है ताकि अपराधी को गिरफ्तार कर सके। एक मेरे नॉलेज में मुकदमा आया 15 जुलाई को पॉस्को का रेप का, एक नाबालिग की लड़की के साथ रेप करते हैं, गैंग रेप होता है,
अगर मीडिया उसको उछाड़ दे तो ठीक है, मीडिया नहीं उछाड़े तो 15 जुलाई का मुकदमा, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज 1 अक्टूबर आ गया, कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, पर आज तक महिला थाना FIR नंबर 90 नंबर मुकदमा है, पर कोई कार्रवाई उस पर आज तक नहीं हुई है। ये फरीदाबाद के वकील हैं जो कि अपने तथ्य रखते हुए नजर आ रहे हैं। बहनों और बेटियों की जब बात आती है तो सरकार सबसे पहले कहती नजर आती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं इस तरीके की नीति को जिससे हमारी बहनें घर बैठने से अगर बाहर भी निकलती है तो सुरक्षित रहे। लेकिन शायद दिल्ली का वो निर्भया कांड भी आज भी थरथराता है, क्योंकि आज भी बहनें सड़कों पर निकलने से पहले सुरक्षित नजर नहीं आती है। बहनें सुरक्षित नहीं होगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, प्रशासन पे सवाल उठेंगे। यहाँ सवाल किस पर उठेगा? सरकार, यहाँ भी सरकार पर ही उठेगा। एडमिनिस्ट्रेशन तो भी बिल्कुल ठीक है, और लेकिन क्या है, जो हमारे अधिकारी जो ये लोकतंत्र में जो नेता चुन करके जाते हैं वो बदमाशियाँ ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा जो ये बीजेपी के जो MP और MLA हैं सबसे ज़्यादा मुकदमा में शामिल हैं वो। लेकिन सरकार तो सर देखी जाए 5 साल पहले कांग्रेस की भी रही थी, यहाँ पे बात किसी व्यक्तिगत चेहरे के तौर पर नहीं है, राजनेता के तौर पर नहीं है। यहाँ पे सवाल ये है कि जो काम करता है जनता उसे बिठाती है, और जो नहीं करता उसका जो सिंहासन है वो ले लिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो काम नहीं करेगा घर बैठेगा, और जिन्होंने काम नहीं किया घर बिठा दिया। तो यानी कि बेटियों की सुरक्षा नहीं हुई फरीदाबाद के लिहाज से, मैं पूछूं तो? बिल्कुल नहीं हुई है। मैं सवाल आपसे पूछूंगी, उज्ज्वला योजना आई है, उजाला योजना आई है, घर में कहा गया है कि बल्ब लग जाएंगे, अब किसी के घर में रोशनी की कमी नहीं रहेगी। फरीदाबाद के लिहाज से पूछूं, औद्योगिक एरिया है, क्या सोचते हैं आप? मैम बेसिकली टोटली झूठ है, किसी के घर पर कोई उज्ज्वला योजना नहीं है, नहीं किसी प्रकार की कोई वो हो रही है। LED जो बल्ब दे रहे हैं कहाँ मिल रहे हैं? वो बंद हो गए, कहाँ मिल रहे हैं बताओ, कौन सी जगह मिल रहे हैं बता दो एक बार, वो दिखा के एक बार। कि उजाला योजना काम नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ जनाब, किस बात का उजाला, जब लाइट नहीं है उजाला किससे होगी? रोडों की आप बात करते हैं, मैं रोडों की बताता हूँ। जो हाईवेज हैं वो हाईवेज बना दिए, किसने बना दिए? टोल टैक्स लगा के। हम गाड़ी खरीदते हैं तो 1 टाइम पेड करते हैं नहीं उसका रोड टैक्स, फिर दोबारा टोल टैक्स, हर 100 किलोमीटर की दूरी पर रोड टैक्स टोल टैक्स लगा करके हमसे 100-150 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। वहाँ बदमाश पाल रखे हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी हो रही है, ना लोकल को छोड़ रहे हैं ना दूर के छोड़ रहे हैं। अब हमारे ये बीच की बात है, हमारी एक डिस्ट्रिक्ट थी पहले पलवल और फरीदाबाद, अब उसको 2 बना दिया, उसको बीच में से डिवाइड कर दिया। पहले वो कोसी बॉर्डर पे था वो टोल टैक्स, वहाँ से उठा करके उसको मित्रोल ले आई, अब उसे मित्रोल से भी पलवल और बल्लभगढ़ फरीदाबाद के दोनों के बीच में बना दिया था कि दो भाइयों के बीच में इतना डिस्टेंस हो गया कि अब आने जाने के लिए भी पैसे लगेंगे। यानी कि गाड़ी खरीदनी है तो एक बार पहले सोच लीजिए कि टोल का पैसा कितना देना पड़ेगा, शायद आपकी जेब में उतना पैसा ना हो जितना कि जो है गाड़ी पे आप लोग स्पेंड कर चुके। लेकिन सवाल यहाँ पर एक बार फिर से आ जाता है, उजाला योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, कहा गया था कि घर घर में चूल्हा आएगा, बहनों के लिहाज से मैं पूछूं तो क्या मानते हैं घर घर में चूल्हा आया है? नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट ने घर घर में सिलेंडर पहुँचाए, जितना धुएं से आज़ादी इस गवर्नमेंट ने उतना किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दी। घर घर में चूल्हे पहुँचाए, आज कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ वहाँ पे हर घर में आपको सिलेंडर मिलेगा। यानी कि मानते हैं जो चूल्हे की योजना बनाई गई थी, उज्ज्वला योजना जो बनाई गई है, घर घर में सिलेंडर पहुँच रहे, सब्सिडी का लेकिन रेट तो घटने और बढ़ने की स्थिति में बना हुआ है, तो आम आदमी क्या करेगा, लकड़ी जलाएगा या फिर आपको लगता है कि गैस से काम चलाएगा? देखो गैस से काम चलाएगा, उसकी सब्सिडी भी तो गवर्नमेंट अकाउंट में दे रही है, अब आपके अकाउंट में आती है, पहले ये होता था कि भाई सिलेंडर लिया गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो उसको खा जाते थे जो गैस के। वो वकील है, हम आत्मिक तौर से आपसे पूछने की कोशिश करेंगे बिना किसी राजनीतिक व्यू पॉइंट से, जो सिलेंडर पहले 400 रुपए का आया करता था वो उसकी कीमत 800 हो गई, अगर व्यक्ति के पास पैसे देने की कीमत 400 से ज्यादा ना हो तो आपको नहीं लगता कि सरकार अगर से 400 तक सीमित कर देती तो स्थिति थोड़ी महिलाओं के लिहाज से बेहतर होती? पहली जो गवर्नमेंट थी ना उसमें 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, इसमें कोई डाउट नहीं, पर पहले ये होता था कि भाई साल में आपको 7 सिलेंडर मिलेंगे, 8 सिलेंडर मिलेंगे, अब हर महीने में 1 सिलेंडर ले सकते हो आप, 12 सिलेंडर मिलते हैं इसमें। पहले होता था भाई ठंड आ गई तो नहीं, आज पीछे से सिलेंडर नहीं आ रहे, उनकी शॉर्टेज है, अब किसी भी टाइम कोई शॉर्टेज नहीं होती, हर टाइम आपको अवेलेबल मिलता है। चलिए जनधन योजना अगर हम देखें तो खातों में पैसा तो आ रहा है सब्सिडी का, लेकिन कई महिलाओं की यही शिकायत है कि जो पहले के दाम थे वो उससे ज़्यादा सेटिस्फाई थी, क्योंकि एक घर की महिला ही तय करती है कि आखिर घर का बजट क्या होना चाहिए। आगे की तरफ चलूंगी, आप भी लॉयर से, आप भी वकील है, आपसे भी सवाल यहाँ पर बनता है मेरा, क्या आधार है इस बार वोट का, फरीदाबाद की जनता क्या सोच रही है? मैडम सबसे पहले मैं देखूंगा कि हमारे जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं जब वो एक स्टेज पर पहुंचते हैं, वृद्धावस्था पर होते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं पेंशन की ज़रूरत पड़ती है। आज एक सीनियर सिटीजन को पेंशन बनवाने के लिए जाता है, वो अपॉइंटमेंट लेता है, 1-2 दिन का उसे टाइम दे दिया जाता है, पता चला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या कोई भी सीनियर सिटीजन पढ़ा लिखा नहीं है,
तो हम उसकी एज कोई भी कंसर्न डॉक्टर होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ है, सीएमओ ऑफिस में जाओ वहाँ पर भी इतनी धांधलेबाजी है कि वहाँ पर भी उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। मानते कि पेंशन की व्यवस्था भी ठीक नहीं, की व्यवस्था भी बहुत बेकार है, कोई है ही नहीं। देखा जाए यहाँ पर जगह जगह पर उन्होंने सरल केंद्र बनाए हुए हैं, सीएससी सेंटर हैं, वहाँ सिवा सीनियर सिटीजनों को धक्के खाने के कोई भी किसी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाई। मैंने मेरे पड़ोस में ही एक सीनियर सिटीजन रहते हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि जी मेरी पेंशन किसी भी तरीके से बन जाए तो आप बताइए। लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पीछे से राजस्थान के थे, फिर वहाँ से अपनी वो निकलवा के सीधे तौर पे समझो तो पेंशन की व्यवस्था नहीं, पेंशन की व्यवस्था भी नहीं है। और भी देखा जाए तो रोड भी एक बारिश होने के बाद रोड ऐसे धुल जाती है कि जैसे कभी बनी नहीं। तो नई नवेली दुल्हन की तरह फिलहाल रोड नजर आती है, बारिश होते ही काम तमाम हो जाता है। वकीलों से उनके व्यू पॉइंट जानने बहुत जरूरी है, आखिरी 5 मिनट का वक्त रह गया, आप सभी के पास मैं आने वाली हूँ और सिर्फ यही जानने वाली हूँ कि आखिर सबसे ज्यादा केसेस की अगर मैं बात करूँ जिनमें सरकार सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सकती है, वो किस तरीके के आप लोगों के पास केसेस आते हैं, और इस बार सरकार के हिसाब से अगर मैं समझूँ तो नेताजी को पास मानते हैं या फिर मैं सीधा आपके पास एक एक लाइन में आप मुझे आंसर दे दीजिए, इस बार की सरकार से उम्मीद क्या है और क्या नेताजी पास हुए हैं या फेल, इस बार अगर मैं ओवरऑल समझने की कोशिश। देखो जी, हमारे लिहाज से तो बीजेपी पास है और बीजेपी के नेताजी भी पास हैं, क्योंकि हम डेवलपमेंट सिर्फ एक छोटे तक कुएं के बात तक नहीं सीमित करेंगे, हम इसको इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल में देखेंगे। उस चीज से देखा जाए तो 5 साल में डेवलपमेंट हुई है, आप किसी से भी पूछो, अर्लियर भी आपने विकास दिख रहा है, आप विकास दिख रहा है, ऐसा है जी। बीजेपी सरकार टोटली फेल है और एक एक बीजेपी नहीं नेताजी पास या फेल नहीं, नेताजी वट नेताजी कौन से नेताजी, अब एक पर्टिकुलर नेता की पूछ रहा है, व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं ले सकते, पार्टी का नाम नहीं ले सकते। नहीं, मेरे को लगता है कि नेताजी भी फेल है। हाँ, उसके मेरे उसे अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं एक एक पॉइंट बाई पॉइंट सारी चीज बता सकता हूँ आपको। एक भी डिपार्टमेंट, क्योंकि हम वकील हर डिपार्टमेंट से हमारा सरोकार पड़ता है, एक भी डिपार्टमेंट में 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है, पुलिस वालों का आतंक पहले से 10 गुना बढ़ा है। अभी 4 दिन पहले की बात है, हमारे एक वकील साहब थे शिवाज साहब, उनको जबरदस्ती उनके खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, तब हमने स्ट्राइक किया, तब उसको कोर्ट से रिलीफ मिला है, नहीं तो इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, मतलब एक तानाशाही चल रही है। तो नेताजी फेल फेल। चलिए आप बताइए, धारा 370 है, राष्ट्रवाद है, 35A हटाया गया है, कश्मीर को आजाद करा दिया गया है, मुद्दे काफी है इस बार चुनावी राजनीति में जीतने के लिए। 370 तो काफी अच्छा किया है देश के, उसके लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स में काफी अच्छा है। बात अभी इंटरनेशनल की नहीं हो रही है, स्टेट का इलेक्शन आने वाला है, स्टेट की बात। लेकिन इस बार मुद्दे जो है कुछ मैंने सुना है कुछ इसी तरीके के रहने वाले हैं, और शायद आप भी टीवी देख रहे होंगे। नहीं, मुद्दे 370 पे, 370 तो गया, इनके पास कोई और मुद्दे तो है नहीं, और सेंट्रल का मामला था। मैं फरीदाबाद लोकसभा की बात करता हूँ, फरीदाबाद लोकसभा में जो कल टिकट बांटी है बीजेपी ने, उस टिकटों में 3 या 4 सीट बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीत पाएगी, बाकी सारे में 0 बीजेपी। यानी कि नेताजी पास या फेल? 50-50 है जी, 50-50 नेताजी फंसा दिए इन्होंने यहाँ पर। आपसे पूछ लेती हूँ कि नेताजी पास रहने वाले हैं या फेल? नेताजी पूरी तरह फेल है, उनको तो सरकार ने फेल कर दिया उनकी ने। तो वकीलों के पास सबसे ज्यादा अहम मुद्दे कौन से जिसमें सरकार का हस्तक्षेप सीधे तौर पे हो सकता है? वकीलों के पास तो सारे मुद्दे ऐसे जिनके जिनमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। आपको लगता है फरीदाबाद के लिहाज से पूछो तो अभी वो हस्तक्षेप होने की स्थिति जो है नजर नहीं आ रही? नहीं, अभी नहीं आ रही बिल्कुल। तो नेताजी पास है सर या फेल है? नेताजी पास है जी। नेताजी पास है, सरकार हस्तक्षेप कर रही है, न्याय के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें सरकार अगर कानून बना दे, महिलाओं की सुरक्षा हो गई है, तमाम ऐसे बड़ी योजना है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप हो तो तमाम बड़े मुद्दे सुलझ जाते हैं। नहीं, सरकार ने इसमें कदम उठाया है, सरकार ने अभी जो 12 साल से नीचे की उम्र है उसमें फांसी की सजा भी की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी काफी बनाए हैं जिसमें जल्दी से जल्दी मुकदमों को निपटाया जाए और अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा मिले। तो चलिए, अपराध कम होने की बात की गई है, 5 साल में आपने देखा, आने वाले 5 साल में आप सभी फिर देखने वाले भविष्य के बढ़ता जो है ये तय करेगा कि आखिर भविष्य की राजनीति और भविष्य के कोख में क्या छुपा है। फिलहाल आगे की तरफ चल लेती हूँ, आपसे भी आखिरी सवाल मैं पूछ लेती हूँ, नेताजी पास है या फेल? नेताजी बिल्कुल टोटली फेल है। तो इस बार नेताजी को पास करवा पाएंगे जो आगे 5 साल में सरकार आएगी? ये नेताजी पास नहीं होंगे, ये नेताजी पास नहीं होंगे। तो जो जनता ने मन बना लिया है? बिल्कुल मन बना रखा है जी जनता ने। ये जनता भी है, ये वकील भी है, लॉयर भी है, न्याय की बात भी करते हैं, ये सत्ता के सुरूर की बात भी करते हैं, और ये भी तय करते हैं कि किसको मिलेगी सत्ता और किसका कटेगा पत्ता। अब ये आने वाला परिणाम ही तय करेगा कि 2019 का रण आखिर किसके साथ आता है, क्या बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिलता है या फिर दूसरी पार्टियां इस बार इस मौके पे चौका लगाती हुई नजर आती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं भावना, A9 TV फरीदाबाद।